गुड मॉर्निंग, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण आठ विषय हिंदी प्रकरण तीन अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। तो आज हम देखेंगे भाग आठ में कि नई दिल्ली के अमेरिकन सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तो सुनीता अब अंतरिक्ष से वापस आ रही है तो उसका यान कहाँ से गुजरा। तो नई दिल्ली के अमेरिकन सेंटर में जब अंतरिक्ष यान जब भारत से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि जो कुछ सवालों के जवाब देती हुई सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता है कि अंतरिक्ष से पूरा विश्व क्या है कि सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखाई देता है कि हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग का सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है। यह दृश्य बहुत मनोहर है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सब अलग अलग दिखाई नहीं देता है। सब क्या है कि यहाँ सुंदर ग्रह दिखाई देते हैं, ग्रामीण, फिर पहाड़, आसमानी रंग और समुद्र महासागर, और पूरा विश्व बटा हुआ नहीं है, यानी एक ही दिखता है। हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन भी दिखाई देती है। यह दृश्य बहुत मनोहर यानी सुंदर दिखता है। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिक सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। जो सुनीता अंतरिक्ष में थी तो वो पेस उनको वापस ले आता है। 7 अंतरिक्ष यात्री उनके साथ, जो 7 अंतरिक्ष यात्री थे वो साथे साथ यानी वापस आते हैं स्पेस शटल अंतरिक्ष अटलांटिस से। फिर पूरा विश्व सुनीता की सुकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। तो पूरा विश्व सुनीता अच्छी तरह वापस सुकुशल आ जाए इसलिए सब प्रार्थना कर रहे थे। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। तो अंतरिक्ष में कितने दिन के रिकॉर्ड बनाया, 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट। तो सुनीता ने अंतरिक्ष में रही, उनकी वापसी कब हुई तो 22 जून 2007 को हुई। 22 जून 2007 को वो वापस पृथ्वी पर आई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीय और गुजरातियों का सर ऊँचा हो गया, यानी सर ऊँचा होना यानी गर्व होना, हमारे भारतीय होने का गर्व है। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनाना होगा, यानी नारी क्या है आज सर्वोत्तम स्थान पर बैठी है और उनको बिठाना चाहिए क्योंकि वो साहसी और महत्वाकांक्षी भी होती है। उन्हें बनना होगा और बनना चाहिए क्योंकि नारी ही आगे जीवन में बढ़ सकती है और हमारे देश का नाम भी रोशन कर सकती है। तो आज विद्यार्थी मित्रों आप अपनी नोट में शब्दार्थ लिख लेना, फिर मुहावरे और अभ्यास में जो 4 प्रश्न हैं वो लिख लेना, फिर स्वाध्याय में प्रश्न 1, प्रश्न 2 और क्या है कि महत्वपूर्ण नारियों का चित्र है तो उनके बारे में पात्रों का थोड़ा थोड़ा परिचय लिख लेना। तो आज इतना ही। अस्तु विद्यार्थी मित्रों।